चलिए दोस्तों करते हैं चालू एक अनबॉक्सिंग के साथ। बहुत दिनों के बाद करने वाले हैं। वीवो ने लॉन्च कर दिया है उनका वीवो V19 जो हमारे पास है थैंकफुली, एंड इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। बट दिस इज एन आउट एंड आउट अ कैमरा स्मार्टफोन। जी हाँ, 6 कैमरास के साथ आता है। सब कुछ देखेंगे और भी सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज बतानी है, ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि 2 Vivo V19 के गिव अवेज करने वाले हैं। सब डिटेल्स मैंने दिए हुए हैं इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए। ओके, लेट्स ओपन द बॉक्स। प्लास्टिक इज आउट। ऑलराइट, Vivo V19 एंड ऑलराइट, क्लियरली सब जगह पे डिजाइन दिख रहा है उसके कैमरा का, कैमरा लेंस का। सो फर्स्ट थिंग इज केस, टीपीयू केस अच्छी क्वालिटी की है। डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल, USB टाइप सी केबल एंड द फोन। फोन को रखते हैं साइड में और क्या है देखते हैं। ऑलराइट, द वन थिंग दैट आई लाइक दोस्तों जब स्मार्टफोन में आता है, यस इट इज, ये देखिए ईयरफोन्स विच आर देयर इन द बॉक्स, और जनरली वीवो के बॉक्स में आता है विच इज अ गुड थिंग। एंड दिस इज द फास्ट चार्जर, 33 वॉट का वीवो फ्लैश चार्ज 2.0। जी हाँ, चलिए दोस्तों अब रखते हैं सब कुछ साइड में, वक्त होता है एक्चुअल फोन के पास देखने का। यस, ओहो लुक एट दिस, इट इज शाइनी शाइनी, ये देखिए दोस्तों ये जो कलर है मिस्टिक सिल्वर, अगेन आजकल वो सभी कलर्स आपको दिखते हैं, जैसे लाइट गिरेगा उस हिसाब से आपको कलर्स दिखेंगे, बट दिस इज मिस्टिक सिल्वर। इसमें पियानो ब्लैक आता है, इसका मतलब व्हाइट या फिर सिल्वर एंड ब्लैक। डाल के देखते हैं केस को एंड वाओ, वेरी नाइस, अच्छी तरह से फिट होता है दोस्तों। लुक एट दिस, नॉट बैड एट ऑल। फोन जो है ना दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है हाथ में, तो जो इन हैंड फील वगैरह इस फोन का, इट इज डेफिनेटली क्वाइट गुड। वेट के मामले में मैं कहूंगा इट इज अबाउट 180-190 ग्राम्स। आगे और पीछे दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है इसमें, एंड लेट्स फाइंड आउट द वेट। एंड 188 ग्राम्स, जी हाँ इट इज अबाउट 188 ग्राम्स। मैं कहूंगा ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट नहीं है, इट इज राइट बिटवीन देयर 180-190 ग्राम्स विच इज आइडियल वेट, लेकिन हाथ में बहुत अच्छा फिट होता है, आई रियली लाइक दैट। चलिए दोस्तों आप देखते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स के पास, नीचे की तरफ आता है स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, 3.5 mm जैक। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू गेट सिम कार्ड ट्रे, ऊपर आपको मिलता है नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, ऑन द राइट हैंड साइड वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन एंड पावर ऑन ऑफ बटन। दोस्तों देखते हैं सिम कार्ड ट्रे वेदर इट इज, ओ नाइस, जी हाँ ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, इसका मतलब आप दो सिम कार्ड और SD कार्ड दोनों भी इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए दोस्तों ऊपर तो देख लिया, अब देखते हैं फोन के अंदर क्या है, करते हैं फोन को चालू। वैसे दोस्तों अगर आपको हमारा अनबॉक्सिंग अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फोन हो गया है चालू और जो पहली चीज आती है सामने इसकी स्क्रीन, एंड आई टेल यू व्हाट, Absolutely gorgeous screen. जितना भी अभी तक मैंने देखा हुआ है दोस्तों, this screen really looks good. मतलब colors वगैरह जो है pop out होते हैं, saturated colors दिखते हैं. Obviously AMOLED screen है, कोई problem नहीं. अगर मैं display के बारे में बात करूं तो 6.44 inch का FHD plus display आता है और ये E3 AMOLED है, मतलब latest generation AMOLED है. Vivo कहता है कि it is one of the best. So वो दिखता है दोस्तों, स्क्रीन पे दिखता है, इट लुक्स गॉर्जियस। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर आता है, दो वेरिएंट्स हैं 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB 256GB। डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता है। अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 4500 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का फास्ट या फिर फ्लैश चार्ज 2.0 वीवो का जो है वो है। ओवरऑल दोस्तों बैटरी के मामले में इट इज रियली गुड, 4500 एंड 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, सो एक्सीलेंट देयर। दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूं तो इसमें Android 10 आता है और उसके ऊपर फन टच OS 10.0 आता है।
ब्लोटवेयर्स वगैरह हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। सिक्योरिटी पैच अगर कहूँ तो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे दोस्तों अगर आपने फंटच ओएस इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं सेंसर्स के पास, और सभी सेंसर्स आते हैं इसमें इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। चलिए मैंने कर दिया है सेटअप, करते हैं टेस्ट। वाओ दैट वाज फास्ट, ओके नाइस। फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क्स एवरी टाइम, रिलायबल है और फास्ट भी है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं फेस अनलॉक की तरफ। फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक दोनों भी अच्छी तरह से काम करते हैं, नो प्रॉब्लम्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, एंड पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऑडियो जो है लाउड है, क्लियर है एंड क्वालिटी भी अच्छी है। सो ऑडियो वेरी गुड। और अगर वीडियो के बारे में बात करूं दोस्तों तो वीडियो इज ऑल्सो क्वाइट गुड। मैंने आपको बताया कि इसका जो डिस्प्ले है बहुत अच्छा है, और उसकी वजह से आप अगर वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे स्पेशली जाओगे, एब्सोल्युटली ग्रेट वीडियोस, कलर वगैरह पंची दिखते हैं, ब्लैक्स आर ब्लैक्स, एमोलेड स्क्रीन है जैसे मैंने बताया। सो मल्टीमीडिया के मामले में एब्सोल्युटली ग्रेट, स्पेशली इसकी जो स्क्रीन है दोस्तों, बेजल्स वगैरह पतले होने की वजह से आपको होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। यू आर गोइंग टू एंजॉय मल्टीमीडिया ऑन दिस। चलिए दोस्तों बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको 4G वोल्टी वगैरह है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट तो आजकल सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भूल गए हैं, सो नो नोटिफिकेशन लाइट। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, इसका मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह आप HD में एंजॉय कर पाओगे। GCAM का सपोर्ट है, कैमरा टू API का भी सपोर्ट है, इसका मतलब GCAM भी आप आराम से इंस्टॉल करके यूज कर पाओगे। एंड अगर SAR वैल्यू के बारे में बताऊं तो इट इज विद इन लिमिट्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। 712 प्रोसेसर है, इसमें LPDDR4X RAM आती है, स्टोरेज टाइप UFS 2.1 है, और जैसे पहले बताया 8GB RAM बेस वेरिएंट है, 8GB 128GB। अंतुदु स्कोर के बारे में बताऊं तो 2,43,000 स्कोर आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो मीडियम सेटिंग्स पे आप आराम से PUBG वगैरह खेल पाओगे, Fortnite वगैरह खेल पाओगे, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। बट मीडियम सेटिंग्स पे, हाई सेटिंग्स में आपको थोड़ा स्टटरिंग वगैरह जरूर महसूस होगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े फीचर की इस फोन की, एंड दैट इज द कैमरा। यस, आगे की तरफ आपको दो कैमरास मिलते हैं, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, सो बोथ द सेंसर्स आर क्वाइट गुड। और वो जो सेकेंडरी सेंसर है वो है अल्ट्रा वाइड, इसका मतलब आप सेल्फी वगैरह अल्ट्रा वाइड में निकाल पाओगे, विच इज एक्सीलेंट। पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरास का सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो। सो ओवरऑल दोस्तों 6 कैमराज हैं इसके ऊपर, एंड मैंने कुछ फोटोज निकाले, एंड लेट मी टेल यू आई रियली लाइक द सेल्फी। स्पेशली आप अगर नॉर्मल कंडीशंस में निकालोगे तो बहुत अच्छे फोटोज आएंगे, इवन इन लो लाइट कंडीशंस। सेल्फी में दोस्तों, लो लाइट कंडीशंस में भी आप निकाल पाओगे, यस नाइट सेल्फी मोड है इसमें। और दोस्तों अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो 4K आप ज्यादा से ज्यादा निकाल पाओगे, 4K एट 30 FPS, EIS का सपोर्ट है। सो ओवरऑल मैं कुछ फोटोज आपको सैंपल्स दिखाता हूं लो लाइट में, थोड़े नॉर्मल कंडीशंस में, जरूर बताइएगा आपको कैसे लगे। My first impressions about camera is quite good, especially जो selfie camera है, अगर आप बहुत सारे selfies निकालते हो Vivo V19 आपको अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों मुझे इस फोन के बारे में क्या लगता है, I'll tell you, this looks like a premium, not looks, in fact it is a premium looking phone। हाथ में जब लेके जाओगे तो डेफिनेटली लोग पूछेंगे या फिर एटलीस्ट देखेंगे कि भाई कौन सा फ़ोन है, दिखने को अच्छा है, प्रीमियम दिखता है। कैमरा इज अ बिग हाईलाइट, इनफैक्ट कैमरा मैं कहूँगा सबसे बड़ा हाईलाइट है, और जितना मैंने देखा, जैसे मैंने बताया दोस्तों और भी ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना होगा, बाहर लेके जाना होगा कैमरा के साथ, बहुत सारे फोटोज़ वीडियोज़ खींचने होंगे, बट माई फर्स्ट इंप्रेशन डेफिनेटली राइट अप देयर। तीसरी बात दोस्तों, डिस्प्ले, अगेन गॉर्जियस डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले जो है
बहुत अच्छा दिखता है, ब्लैक्स वगैरह आप देखोगे, यू आर गोइंग टू एंजॉय मल्टीमीडिया स्पेशली ऑन दिस फोन। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, 712 ये जो प्रोसेसर है थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, अगर थोड़ा लेटेस्ट प्रोसेसर होता तो और भी अच्छा होता। बट दिस पर्टिकुलर फोन, याद रखिए, वी सीरीज वीवो की जो होती है वो कैमरा सेंट्रिक होती है, मल्टीमीडिया सेंट्रिक होती है, और वैसे ही वीवो V19 भी है। एंड बहुत सारे लोग वी सीरीज खरीदते हैं एंड आई एम श्योर V19 भी बहुत पॉपुलर होगा, स्पेशली फॉर द कैमरा। और हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट, अभी मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, जैसे ही पता चल जाएगी, क्योंकि जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तब तक प्राइस अनाउंस नहीं हुई है, अनाउंस होने के बाद इमीडिएटली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में और एक चीज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस आई नो यू आर वेटिंग फॉर द गिव अवे, दो वीवो V19 दे रहे हैं दोस्तों, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। 14 दिनों तक ये गिव अवे चलने वाला है, दो देने वाले हैं, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। सिंपल रूल्स हैं दोस्तों, वही हमारे चैनल को फॉलो करना चाहिए, सोशल मीडिया पे वगैरह फॉलो करना चाहिए, और फिर हम जो अनाउंसमेंट है, गिव अवे अनाउंसमेंट, वो लाइव करते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, तो उधर जरूर हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।